Brought to you by ITIL. जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर अभी अभी जो वीडियो प्ले हुआ उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आरक्षण पर अपनी बात रख रहे हैं। भागवत कह रहे हैं कि जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण तरह से समर्थन देता है। संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक भेदभाव जब तक है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। मोहन भागवत ने इस बात को सिरे से नकारा है कि आरएसएस आरक्षण के खिलाफ है। आइए आपको ये पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। रविवार 28 अप्रैल को मोहन भागवत हैदराबाद के एक शैक्षणिक संस्थान पहुंचे। उस संस्थान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें भागवत ने भाषण दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि संघ परिवार ने कभी भी आरक्षण का विरोध नहीं किया। उन्होंने आरक्षण का समर्थन करते हुए कहा कि संघ की राय है कि जब तक जरूरत हो आरक्षण जारी रहना चाहिए। अभी मैं यहाँ आया कल तो मैंने सुना एक वीडियो घूम रहा कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करते अंदर जाके कहते आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। सोशल मीडिया है, अच्छी बातें भी जाती है, खराब बातें भी जाती है। वो सोशल मीडिया को गुण नहीं, सोशल मीडिया में भाग लेने वाले का गुण है। तो ऐसी कपोल कल्पित बातें लोगों में भेज कर विवाद पैदा करना उसका स्वार्थ है। चलो ठीक है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। जो एक चल रहा है अभी चुनाव का माहौल उसमें ये बातें चलेगी। लोकसभा चुनाव के बीच देश में आरक्षण पर खूब बहस हो रही है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। इन आरोपों के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी बीजेपी पर आरक्षण को लेकर आरोप लगाते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने 27 अप्रैल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की। भाजपा नेताओं और नरेंद्र मोदी के करीबियों के बयानों से अब साफ हो गया है कि उनका उद्देश्य है पहला संविधान बदलकर देश का लोकतंत्र तबाह कर देना और दूसरा दलितों पिछड़ों आदिवासियों का आरक्षण छीनकर देश चलाने में उनकी भागीदारी खत्म करना। ये बातें राहुल गांधी ने लिखा है, यह पोस्ट राहुल गांधी ने किया है और उसके आगे भी उन्होंने कुछ दावे किए। आरक्षण को लेकर ऐसे आरोप विपक्ष के और भी नेताओं ने लगाए हैं। विपक्षी हमलों को देख मोर्चा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अगर बीजेपी की मंशा आरक्षण खत्म करने की होती तो अब तक कर चुकी होती। सुनिए, राहुल गांधी निराधार झूठ बोल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता। बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? ओबीसी का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? एससी एसटी ओबीसी का कटा। और जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी एससी एसटी ओबीसी आरक्षण से महरूम है। इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की एससी एसटी ओबीसी नीति है। मैं देश की जनता को फिर से एक मोदी गारंटी रिमाइंड कराना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है एससी एसटी
और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कुछ नहीं होने देगी, ये मोदी का गारंटी। संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान आने के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आज पहली बार भागवत जी सफाई देने के लिए मैदान में उतरे हैं। बार बार हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान माना जाता है, लेकिन भाजपा में भागवत जी का संविधान माना जाता है। और भागवत जी का संविधान क्या कहता है? भागवत जी का संविधान कहता है देश में आरक्षण खत्म होना चाहिए। अमित शाह जी क्या कहते हैं? 50 साल तक देश में राज करेंगे, यानी कि चुनाव खत्म होगा। 400 सीट चाहिए, अरुण गोविल जी कहते हैं 400 सीट चाहिए, मोदी जी कहते हैं 400 सीट चाहिए, लल्लू सिंह जी कहते हैं, ज्योति मिर्धा कहती हैं, अनंत हेगड़े कहते हैं। क्यों कहते हैं? संविधान बदलना है इसलिए 400 सीट दे दो। मेरे मुंह से 4 सीट निकल गया। हो सकता है हकीकत में आप यही कर दें, लेकिन 400 सीट क्यों मांगी जा रही है? क्योंकि संविधान बदलना है। संविधान बदल के आरक्षण खत्म करना है, वोट खत्म करना है, देश के लोकतंत्र को खत्म करना है। इस प्रतिक्रिया से जाहिर है कि मोहन भागवत के बयान के बाद भी संजय सिंह अपने आरोपों पर कायम है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए अपने इस वीडियो में उन्होंने आगे कुछ पुरानी खबरों के वीडियो भी अपने मोबाइल पर दिखाए और उन्हें दिखाकर ये दावा किया कि आरएसएस और बीजेपी आरक्षण के खिलाफ हैं। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी हटाओ आरक्षण बचाओ इंडिया में ट्रेंड कर रहा है। आरक्षण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, इस बयान पर प्रतिक्रियाएं हमने आप तक पहुंचाई। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ये जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारे साथी शेख नावेद ने। मैं हूं हिमांशु, शुक्रिया।